रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स आपके सामने है, आप लाइव दिखा रहे हैं, आपको पता है लोगों का जो उत्साह जो जोश देखने को मिल रहा है। तीसरी बार बहुत बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर बन रही है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को विकास की तीव्र गति के ऊपर आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। राहुल जी आज करनाल आए थे, गांव में आए थे, एक लड़का था अमेरिका, उसका एक्सीडेंट उसके परिवार में सुबह से आए। देखिए मेरे को तो मालूम नहीं है इसके बारे में, क्योंकि मैं सुबह का बिजी हो रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं है। अब तो वो फ्री कर रखा है देश के लोगों ने, क्योंकि ना नीति है ना नियत है और ना नेतृत्व ठीक है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी हुई है। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया वो घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, जो राहुल और खड़गे जी ने बनाया है। सबसे पहले उसने वो हिमाचल में उतारा, फिर कर्नाटक में उतारा, फिर तेलंगाना में उतारा, अब हरियाणा में लेकर के आए हैं। हरियाणा का कोई व्यक्ति उनको भाव नहीं डाल रहा है, कोई घास नहीं डाल रहा है, क्योंकि कांग्रेस की दुकान खाली हो चुकी है। कांग्रेस की दुकान में झूठ का सामान है, कुछ और नहीं है। और आने वाले कहीं ना कहीं हुड्डा साहब कह रहे हैं वो तो हमसे चुरा लिया है, चुरा लिया है, कॉपी कर लिया हुआ है। देखिए कुछ बोलने को तो उसको चाहिए, उसको बोलने के लिए तो चाहिए, क्योंकि जो इनका झूठ का पुलिंदा था, मैंने कहा है, क्यों हिमाचल में उतारा, कर्नाटक में उतारा, तेलंगाना में उतारा, लोग झांसे में आए, वोट दे दिया, क्या हालात है। अब एक भी वायदा पूरा नहीं किया, दो साल हो गए। प्रचार में नहीं आ रही है, शैलजा प्रचार में नहीं आ रही है। नहीं देखिए, कुमारी शैलजा दलित नेता है, बड़ी नेता है, और कांग्रेस पार्टी दलितों को देख करके कि ये क्यों बड़ा हो गया, उसका शोषण करते हैं, उसको दबाने का काम करते हैं, उसकी आवाज दबाने का काम करते हैं। पहले अशोक तंवर की दबाई, अब शैलजा की बारी है, अब शैलजा की आवाज दबाने में लगे हुए हैं। परंतु वो महिला है, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि दलित समाज का योगदान बड़ा है। आप लोग अगर पैसे वाले हैं हुड्डा साहब, तो गरीब व्यक्ति की मेहनत है और मेहनत के ऊपर इस प्रदेश को आगे बढ़ाता है। शैलजा को जिस तरह अपमानजनक शब्द बोला गया, क्या मानते हैं कि उसकी नाराजगी शैलजा दिखा रही है, प्रचार में नहीं जा रही? नहीं देखिए, क्योंकि इतना बड़ा अपमान, मैंने कहा दलितों की बड़ी नेता है, ये इतना बड़ा अपमान, और ये नहीं चाहते बापू बेटे से बाहर निकले। मनोहरलाल जी कह रहे हैं कि शैलजा और सुरजेवाला कुछ कर सकते हैं हमारे कष्ट में। देखिए देखिए मैं इस बात की जानकारी हमें नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर परिवारवाद हावी है, परिवारवाद के कारण स्थिति खराब है। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है, स्वयं झूठ के राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव के अंदर उस पवित्र संविधान की बुक उठा करके पूरे देश में घूमा, कहने लगा मोदी अगर तीसरी बार बन गया तो संविधान को खत्म कर देगा, आरक्षण को खत्म कर देगा। ये इस प्रकार के झूठ के लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। अब गुमराह होने वाले नहीं है, एक कहावत है, काठ की अंडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।